मशहूर हदीस है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पर इरशाद फरमाए कि है कोई बंदा जिसका मैं कर्ज अगर लिया हूँ तो वह कर्ज अदा कर ले, अगर कोई मैं किसी से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दे, बोल करके जब ऐलान कर रहे थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक और हज़रत अली सब आप खड़े थे उस वक्त, हज़रत उकासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर के बोले कि या रसूल अल्लाह, आप फलाने जंग पर मुझे इस तरह दुर्रे से मारे थे तो मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फौरन वहाँ पर गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे और अर्ज करे कि आए उकासा, तुझे मालूम नहीं कि किससे तू बात कर रहा है, आए उकासा अल्लाह के रसूल को एक दुर्रे मारने के बजाय मेरी बदन की छल्ली उड़ा दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। हजरत उमर फारूक उसी वक्त अर्ज करने लगे कि ऐ उकासा, तुझे मालूम नहीं कि मुझे देख करके यहाँ के कुफार थरथराते हैं, लेकिन मैं ये अर्ज करता हूँ कि तू जो है मुझे अल्लाह के रसूल के बदला मुझसे ले ले। तो इस तरह हजरत अली भी अर्ज करने लगे तो अल्लाह के रसूल मना फरमाए और बोले कि वो जो कह रहे हैं वो सुन। फिर हजरत उकासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करे कि या रसूल अल्लाह, जब आप हमको मारे थे तो मैं कपड़ा नहीं पहना था, आप ही कपड़ा खोल। उसके बाद फिर उसी दुर्रे से, जो दुर्रा से आप मारे थे, मैं उसी दुर्रे से आपको बदला लेना चाहता हूँ। तो वो दुर्रा हजरत अली करमल्लाहु ताला अन्हु लाते हैं और लाने के बाद आप जो है देते हैं हजरत उकासा के दस्ते मुबारक पर, और वो लेकर के अल्लाह के रसूल की बारगाह की तरफ जब जाने लगते हैं दुर्रे को लेकर के, तो तमाम सहाबी रसूल अपने सर को जमीन के नीचे झुका देते हैं और आंखों से आंसू बहने लगता है। तो हजरत उकासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रसूलल्लाह की सीना में सीना मिलते हैं और महरे नबुवत आपको जो लगा हुआ था उसको बोसा लेते हैं और अर्ज करते हैं फिदा का अभी हुआ अम्मी, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो कि आपको एक चींटी की बराबर में तकलीफ दे सकूं, मेरा मकसद ये था कि वो महरे नबुवत को बोसा लेना था। तो वही हजरत उकासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मजार शरीफ जो देख रहे हैं, यहाँ बहुत ऐसे लोग आते हैं, आप अभी भी देख सकते हैं बाहर में कितने लोग परेशानी के हालत पर आए हैं और वो अपने परेशानियों को दूर कर रहे हैं, अपने तमाम तकलीफों को दूर कर रहे हैं, जो नियतें हैं, जो मन्नतें हैं वो लेकर आ करके, और आप तमाम हजरात उससे फायदा हासिल पा रहे हैं। आप तमाम हमारे अहले सुन्नत वल जमात से गुजारिश है कि जो हजरात ये चीज़ को देखते हैं, हजरत उकासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सहाबी रसूल हैं। और एक बात जरूरी हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ये जो महमूद बंदर, इसका नाम, इस बस्ती का नाम महमूद बंदर, जहां आप आरामगाह फरमाए हैं, यहां तकरीबन दूसरा नाम परंगी पेट है, जहां आप आराम फरमाए हैं यहां तकरीबन 365 दरगाह शरीफ हैं। अब ये हिसाब जहन लगाया जाए, इसको हम सोचते हैं कि आखिर ये बस्ती के अंदर 365 दरगाह शरीफ कहां से आए। तो ये हमको ये समझ में आता है कि तमाम बुजुर्गान दीन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत के लिए आते और अपनी जिंदगी यहीं बसर कर लेते थे। इस वजह से यहाँ पर ऐसे हर गली में, आप जिस गली में जाएंगे, जिस मोहल्ले में जाएंगे, एक दरगाह शरीफ और मस्जिदें मिलेंगी। तो इस वजह से आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और अपने दिली मुरादों को अर्ज करें। इंशाअल्लाह ताला सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों की तमाम मुरादों को कबूल अता फरमाए। आमीन। चिदंबरम से कितनी दूर है ये भी बता, चिदंबरम से कितनी दूर है? चिदंबरम से 25 किलोमीटर साहिली इलाका जी, समंदर के साहिली इलाका बिल्कुल किनारे।
शुक्रिया।